राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है हमारा एक ऐसे कीटनाशक के बारे में जिसका नाम है किसान भाइयों एक्जोटिका। और एक्जोटिका कीटनाशक के ऊपर ये कंप्लीट वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस वीडियो को पूरा देखें, आपको एक सही और शानदार जानकारी यहाँ पर देखने को मिलेगी। जिस कीटनाशक के बारे में आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ, ये कीटनाशक बिल्कुल नया है और कंपनी ने इसे पेटेंट करवाया है। पेटेंट का मतलब किसान भाई ये होता है कि जितने समय के लिए कंपनी ने इस कीटनाशक को पेटेंट कराया है उतने समय तक कोई भी दूसरी कंपनी इन टेक्निकलों को एक साथ मिला करके मार्केट में नहीं ला सकती। मान लीजिए किसी कंपनी ने कोई दवाई बनाई और उसने उस दवाई को 5 साल के लिए पेटेंट करवा लिया, तो 5 साल तक उस दवाई को कोई और कंपनी नहीं बना सकती। तो इसी तरीके से ये जो टेक्निकल है, ये जो फार्मूला बनाया गया है, ये जो कीटनाशक बनाया गया है, इसे कोई भी कंपनी नहीं बना सकती। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसके रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे और नया नया ये मार्केट में आया है तो किसान भाई इसकी कीमत भी बहुत ज़्यादा आपको देखने को नहीं मिलेगी, कीमत भी सही रहेगी और रिजल्ट तो इसके बम पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। यदि आपको किसी और तरह की कोई और जानकारी चाहिए तो भी किसान भाइयों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत ही उस तरह की जानकारी भी दी जाएगी। तो जिस कीटनाशक के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ, ये जो कीटनाशक है किसान भाइयों निकाला है विलवुड कंपनी ने, और विलवुड कंपनी ने इसे पेटेंट करवाया, जो आप इस समय पर डिस्प्ले में देख पा रहे हैं कि ये बिल्कुल पेटेंट प्रोडक्ट है। और इसका जो नाम दिया गया है, कंपनी ने दिया है एक्जोटिका इंसेक्टीसाइड, यानी कि एक्जोटिका कीटनाशक के नाम से ये आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर क्या क्या फार्मूले हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसके ऊपर। तो इसके अंदर आपको कार्टेव हाइड्रोक्लोराइड 4% में देखने को मिल जाता है और फिप्रोनिल की मात्रा इसके अंदर किसान भाइयों 0.5% फार्मूलेशन के साथ इसके अंदर देखने को आपको मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी तरीके से किसान भाइयों कार्य करता है। ये जो है किसान भाइयों धान की फसल के अंदर जो ऐसा हमारा ये होता है पत्ती लपेट होता है, तना छेदक होता है, तना भेदक होता है, इस तरह की जो कीट होते हैं इन पर बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों इसके देखने को आपको मिल जाएंगे। बात करें कौन कौन सी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकते हैं, तो इसका उपयोग आप अपनी किसी भी फसल में कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है कि ऐसा हो कि इसके ऊपर आप इसका उपयोग करेंगे और इसके ऊपर उपयोग नहीं करेंगे। गन्ने की फसल हो उस पर उपयोग कर लीजिए, धान की फसल हो उस पर उपयोग कर लीजिए, बैंगन हो, टमाटर हो, मिर्च हो, शिमला मिर्च हो, गोभी हो, किसी भी फसल पर आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। रिजल्ट टाइम की बात करूँ तो इसका जो रिजल्ट टाइम है किसान भाइयों वो भी काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि इसे फसल में डालने के बाद ये लगभग आपकी फसल को 40 से लेके 45 दिन तक एक लंबे समय तक बचा करके चलता है। यदि आपकी बड़ी फसल है और डोज आपने पूरी डाली है तो किसान भाइयों 60 से 65 दिन तक के रिजल्ट भी इसके आपको देखने को मिल जाएंगे। यदि आपकी छोटी फसल है, आप इसकी डोज कम डालते हैं, तो इसका रिजल्ट टाइम उसी के अनुसार धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा, आपके खेत के अंदर यदि लगातार नमी बनी हुई है, लगातार आप सिंचाई कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट आपको और भी 5-7 दिन बढ़कर ही मिलेंगे, क्योंकि नमी टूटने पर ही कीटनाशकों के रिजल्ट जो है कम होते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इसके अंदर 4% आपको कार्टेव हाइड्रोक्लोराइड मिल जाता है और किसान भाइयों 0.5% इसके अंदर आपको फिप्रोनिल देखने को मिल जाता है। कार्टेव के बारे में आपको क्या बताऊं, क्योंकि कार्टेव एक अच्छा कीटनाशक है और काफ़ी लंबे समय से मार्केट में बना हुआ है, तो इसका रिजल्ट तो आपको बेहतरीन देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ इसके अंदर एजेंट की मात्रा यानी कि फिप्रोनिल की मात्रा दी गई है जो 0.5% में है, इसके रिजल्ट भी आपको बेहतर देखने को मिलेंगे। तो ये आपकी फसलों को कीटों से बचाने में, सभी तरह के कीटों पर अच्छी तरीके से पकड़ बनाने में इसे महारत हासिल है और बहुत अच्छी तरीके से आपकी फसल की ग्रोथ बढ़ाने में, उसकी पैदावार को बढ़ाने में ये आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद कर सकता है। तो आप एक्जोटिका का उपयोग करके देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। बात करें इसकी डोज की, तो इसकी जो डोज रहेगी यदि आपकी छोटी फसलें हैं, कम अवधि की फसलें हैं, तो 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, और यदि आपकी बड़ी फसल है, लंबी अवधि की फसलें हैं, तो उसमें आप 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे डालेंगे, अच्छे रिजल्ट आपको निकाल करके देगा। बात कर लेते हैं इसकी कीमत की, इसकी कितनी कीमत आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगी। तो मार्केट में इसके पैक के ऊपर तो आपको बहुत ज़्यादा कीमत देखने को मिलेगी, लेकिन यदि मैं इसकी खरीदने की बात करूं तो मार्केट में ये आपको 1250 से लेकर के 1300 रुपये के आसपास मार्केट में देखने को मिल जाता है। इसके पैक का जो वजन है वो किसान भाई 6 किलोग्राम रहता है, यानी कि 6 किलोग्राम प्रति बैग के हिसाब से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा, यानी कि एक एकड़ खेत का जो हमारा खर्चा आता है वो 1250 से लेकर के 1300 रुपये के आसपास का खर्चा देखने को आपको मिलेगा। बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की, तो किसी भी अन्य खाद के साथ आप इसे मिला करके डाल सकते हैं, कोई भी साइड इफेक्ट आपको ये निकाल करके नहीं देगा।